आज की जो कविता है एक सेंसिटिव इशू है। जो अभी कलकत्ता में आग लगी हुई है, वहाँ पे जैसे निर्भया दिल्ली में था, उसी प्रकार वहाँ अभया भी बांड जस्टिस फॉर अभया चल रहा है। ठीक है, तो बड़ा ही इशू ऐसा है। तो इसमें अभी हम सारे पुरुष बैठे हैं, तो कविता का जो शीर्षक रखा है, नारी जाति से हम माफी मांगते हैं। ठीक है, माफी क्यों मांगते हैं उसका आपको समझ में आएगा। खाली नारी का सिर्फ यही नहीं है अत्याचार ही नहीं, बाकी उनका सेक्रीफाइस भी है जो दिन रात लगी रहती है सेवाओं में हमारी। तो कहते हैं कि रिश्तों का ऐसा है कि संभाला ही नहीं, रिश्तों का ऐसा है कि संभाला नहीं तो रिस जाते हैं, यानी बह जाते हैं। रिश्तों का ऐसा है कि संभाला नहीं तो रिस जाते हैं। और ज्यादातर भारतीय महिलाएं रिश्ते निभाते निभाते घिस जाते हैं। ज्यादातर भारतीय महिलाएं रिश्ते निभाते निभाते घिस जाती हैं और उफ नहीं करते, चेहरे पे सिकन तक नहीं आने देते। उन सभी समर्पित नारियों को हम झुक के सलाम करते हैं। और ज्यादातर पुरुष का क्या है, वो अपना काम करते हैं और काम हो पूरा होते ही वो निष्फिकिर आराम करते हैं। अब हम जाएंगे खा के आराम से सो जाएंगे, लेट जाएंगे, नाश्ता पानी सब मिलेगा है? और हमारी महिलाएं यहाँ से जाने के बाद भी काम में लगी रहेंगी। तो काम पूरा होते ही वो निष्फिकिर आराम करते हैं और माता बहनों और बेटियों का काम कभी भी खत्म नहीं होने वाला। कभी सोचा है कि वो कब आराम करते हैं? देख के पुरुषों की लाटशाही वो अक्सर सोचते हैं, महिलाएं सोचती हैं, देख के पुरुषों की लाटशाही वो अक्सर सोचते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप शायद स्त्री योनि में जन्म लेके हम भरते हैं। और उनके अंदर ऐसी कुंठा भरी सोच के लिए पुरुष ही जिम्मेवार है। सब जान समझ पुरुष महिलाओं का हाथ नहीं बटाते हैं। आपका नहीं है, आप तो एक्सेप्शन हो। ठीक है। कुंठाग्रस्त महिलाओं वाले देश को हम झूठ फूट में महान कहते हैं। जहां आधी जनसंख्या कुंठा में है, ऐसा देश महान कैसे हो सकता है? कुंठाग्रस्त महिलाओं वाले देश को हम झूठ फूट में महान कहते हैं। माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को हम ऊपर ऊपर पूजते हैं। आडंबर और दिखावे से कुछ भी नहीं बदलने वाला। ढेर सारे मर्द महिलाओं को अभी भी पैरों की जूती समझते हैं। घर संवारने वाली महिलाओं को समुचित सम्मान नहीं देते। कामकाजी महिलाओं को हीन और गलत दृष्टि से देखते हैं। और नए समाज की सोच में अभी भी पुराना जंग लगा हुआ है। तभी तो घर से बाहर निकली बच्चियों को लोग गिद्ध दृष्टि से देखते हैं। मौका लगा नहीं कि कभी निर्भया तो कभी अभया को नोचते हैं। और शर्म आ रहा है मुझे कहने में कि हम ऐसे समाज में रहते हैं। हमारी आत्माएं गिरवी हैं और हम कीड़े से बदतर हो गए हैं। तभी तो लाचार और घायल को भी वैसी गिद्ध सा नोचते हैं। वो कौन है जो इंसाफ की मांग करने वालों पर टूटते हैं? हॉस्पिटल पे अटैक हो गया, बताइए क्या मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कि वो कौन है जो इंसाफ की मांग करने वालों पे टूटते हैं? और इंसाफ की जंग में लोग क्यों ही राजनीति घुसाते हैं? ऐसी सोच और समझ किस दिशा में देश को लेके जा रही? ऐसा लगता है कि हम असभ्य नहीं बर्बर समाज में रहते हैं। और आखिरी चाल लेने दोस्तों कि देख के ऐसी देश की दुर्दशा हम खून के आंसू रोते हैं। अपंगता और कर्मण्यता के लिए नारी जाति से हम माफी मांगते हैं। और इस हालत से उबरने को बेटियों पे रोक लगाने की जरूरत नहीं। देश के बेटों को उच्च नैतिक मूल्यों के साथ हम क्यों नहीं पालते हैं?